हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। iOS 15.6.1 एप्पल ने जो है अपडेट रिलीज़ किया और इसका साइज़ देख सकते हैं 206 MB मेरे आईफोन XR के ऊपर। और इस अपडेट के अंदर हमारे को नया क्या मिलता है, क्या है बग फिक्सेस, तो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी छोटा साइज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसके साथ कौन कौन सा डिवाइस के ऊपर ये अपडेट आया है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 और इसके साथ macOS 12.5.1 और एप्पल वॉच है वॉचOS 8.7.1 आपको अपडेट मिल गया, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं सारे डिवाइस के ऊपर। यह है स्टेबल वर्जन, नॉट बेटा, ये स्टेबल वर्जन, हर एक यूजर्स को ये अपडेट मिल गया। अपडेट से पहले जो बिल नंबर था देख सकते हैं 19G71 और इसका जो स्टोरेज अवेलेबल था लगभग 50 GB के आसपास। और इसका जो मॉडेम फॉर्मवेयर था, मॉडेम फॉर्मवेयर देख सकते 4.04.02। और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद क्या है इसका मॉडेम फॉर्मवेयर और क्या है इसका बिल नंबर वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो डाउनलोड के बाद बिल नंबर देख सकते हैं 19G82। स्टोरेज लगभग जो है सेम ही है, इसके अंदर मैं कुछ डाउनलोड किया, स्टोरेज के मामले में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मॉडेम फॉर्मवेयर आपको सेम ही देखने मिलेगा, मॉडेम फॉर्मवेयर के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इस अपडेट के अंदर हमारे को नया क्या मिलता है, क्या है फिक्सेस। इस अपडेट के अंदर जो आपको नया देखने मिलेगा वो बहुत ही स्मॉल है, वो है ऐप स्टोर के अंदर। तो देख सकते हैं न्यू एप्स फीचर्स, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा काफी सारे नए एप्स आपको मिल जाएगा, जो न्यू एप्स फीचर्स वो आपको देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको जो इसके अंदर नया देखने मिलेगा वो है ग्रेड ब्रांड के अंदर। तो इसके अंदर आपको नया देखने मिलेगा काफ़ी सारे, इसके अंदर आपको जो है लगभग 70 BZ इसके अंदर आपको नया देखने मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते जो इसके अंदर ऐड किया है। तो इसके अंदर आपको जो है तरह तरह का, मतलब म्यूज़िक के जो शॉकिंग है इसके अंदर आपको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो काफ़ी अमेजिंग इसके अंदर नया चेंजेस लाया है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर नया कुछ देखने जाएंगे तो इसके अंदर आपको नया इतना ज़्यादा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए है इसके अंदर जो सिक्योरिटी अपडेट, क्योंकि काफ़ी छोटा अपडेट है और इसके अंदर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट। और एप्पल कह रहे हर एक यूजर्स को इसको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अपडेट का मामला आता है, हमारा जब प्राइवेसी का मामला आता है, तो ज़रूर आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट करेंगे तो आपका प्राइवेसी बहुत सिक्योर रहेगा। तो ज़रूर आप लोग चाहे तो iOS 15.6. अपडेट कर सकते हैं। और एप्पल वॉच के अंदर भी जो है ये अपडेट आया, लेकिन एप्पल वॉच के अंदर जो ये अपडेट आया है मैं चेक कर रहा हूँ, जो है ये अपडेट अभी तक नहीं आया। तो शायद हमारे को रात में या कल सुबह तक जो है एप्पल वॉच के अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद एप्पल वॉच के अंदर आया नहीं। अगर आप लोगों के एप्पल वॉच के अंदर आ गया तो जाके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी छोटा साइज होगा, तो चाहे तो आप लोग भी जाके इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल वॉच का जो अपडेट आपको देखने मिलेगा वॉचOS 8.7.1 19U67 ये अपडेट आपको मिल गया, तो जरूर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और फॉरन इसको अपडेट कर लेना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके पास आईपैड है तो आईपैड के लिए भी अपडेट आया, देख सकते हैं iPadOS 15.6.1 19G82। तो जाके इसे भी अपडेट तुरंत कर लीजिए, क्योंकि तुरंत अगर अपडेट कर लेंगे बहुत ही आपका जो डिवाइस है वो सेफ रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में कभी पीछे नहीं रहना है, जरूर इसको अपडेट कर लेना चाहिए। और इसके बाद अगर आपके पास मैक है तो मैक के ऊपर भी अपडेट आ गया, स्टेबल वर्जन है। तो देख सकते हैं macOS Monterey 12.5.1 और इसका साइज है 1.18 GB, जो काफ़ी छोटा है मैक के हिसाब से। और इसके साथ भी लिखा है देख सकते हैं सिक्योरिटी अपडेट, तो ज़रूर इसको भी अपडेट कर लेना चाहिए, सिक्योरिटी अपडेट के मामले में पीछे नहीं रहना, क्योंकि हमारा प्राइवेसी रहता है। तो ज़रूर इसको अपडेट कर लीजिए, आपका जो डिवाइस है वो सिक्योर रहेगा। और macOS 12.5 जो डाउनलोड से पहले इसका बिल नंबर देख सकते हैं 21G72 और डाउनलोड के बाद देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन 12.5.1 21G83। तो आपको जो है बिल नंबर देखने मिलेगा और इसके ऊपर भी देख सकते क्लियर ही लिखा है, जो अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करे और एप्पल आईडी पासवर्ड के लिए, तो ज़रूर इसको अपडेट कर लीजिए। कुछ इशू था मैकबुक के ऊपर भी, जो सिक्योरिटी इशू क्लियर ही लिख दिया देख सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी इशू, जिसकी वजह से रीसेट यूआर एप्पल आईडी पासवर्ड। तो ज़रूर इसको अपडेट कर लेना चाहिए, अपडेट करेंगे तो आपका जो है डिवाइस वो सेफ रहेगा, वो प्राइवेसी भी आपका सेफ रहेगा। तो ज़रूर मैक के लिए भी अगर अपडेट करना चाहते हैं तो ज़रूर अपडेट कर लीजिए। मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक एक करके एक ही वीडियो के अंदर सारे चीज़ कवर किया, तो ज़रूर जाके आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसी के अंदर हमारे को जो एक बग देखने मिल रहा था वो है स्टोरेज, तो स्टोरेज का जो बग है अभी है क्या नहीं है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं।
तो डायरेक्टली जो आईफोन स्टोरेज, तो आईफोन स्टोरेज के अंदर आने के बाद बहुत ही क्विकली ओपन हो गया। तो इसका स्टोरेज बग है क्या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो आईएस का जो साइज़ देख सकते हैं 9 GB के अंदर है और जो सिस्टम डेटा है 7.1 GB, जो काफ़ी छोटा है। ज़्यादा इतना कुछ मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ना सिस्टम डेटा के अंदर ना आईएस के अंदर, लगभग आपको सेम ही देखने मिलेगा। और इसी के साथ आपको जो है ये अपडेट आईएस 15.6.1 ये आखिरी अपडेट है, इसके बाद आपको जो है अपडेट देखने नहीं मिलेगा। क्यों? आईएस 16 जो है सेप्टेम्बर 7 नहीं तो आपको 15 को देखने मिलेगा, तो उसके अंदर आपको जो है आईएस 16 का नया फीचर्स आपको देखने मिलेगा, जिसकी वजह से आईएस 15.6.1 के अंदर कुछ भी आपको इतना ज़्यादा नया देखने नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं, आपको जो है सेप्टेम्बर 7 नहीं तो आपको जो है 15 आपको देखने मिलेगा। एप्पल इवेंट के अंदर आईफोन 14 लॉन्च के बाद आपको जो है देखने मिलेगा आईएस 16 का स्टेबल वर्जन हर एक यूजर्स के लिए, जाके इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल के आइकन कॉल पर रखिए, जब मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। गुड बाय।